तो टोटल जो है 2000 में मैंने दवा पता करी 7000 रुपए की मिल रही है, सेम 7500-8000 रुपए में टोटल मिल रही है। अपने वहाँ इतनी महंगी क्यों मिल रही है? तो सेम चीज मैंने भी पता करी, ये पर्ची लेके मेरे चाचा खड़े वहाँ पे 8000 रुपए बता रहे, अपने वहाँ 18000 रुपए बता रहे। डिस्काउंट के बाद 18 में पड़ रही ना, तो वहाँ तो टोटल अपने को 8000 रुपए में पड़ रही है, टोटल अपने को 8000 में पड़ रही है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों, मतलब इतना डिफरेंस क्यों है? 10000 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है 18 और 8, कुछ तो रीजन होगा ना अपने, मतलब इतना महंगा मिल रहा है जो। चलो ठीक है, आपका रीजन तो बताओ सर, आपका रीजन क्या है? आपका रीजन तो बताइए सर, इतना रीजन हमने जी सामने अस्पताल प्रबंधक से आपको बात करनी पड़ेगी। अस्पताल प्रबंधक तो मना कर रहे, बाहर की दवाई नहीं ला सकते, आप यहीं से लेना पड़ेगी। उनसे हम तो देखो वर्कर है यहाँ के, जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ जी, है ना, रेट बता रहा हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, हमारा कहने का मतलब सर कि आप जो 8000 रुपए की दवाई है वो 18000 में दे रहे हैं, तो इसका कुछ कारण सर? भैया हमको हमने थोड़ी भाव बनाया, हाँ, किसने बनाया सर भाव? आप बात करो सामने, हमको नहीं मालूम पैसा कम। नहीं तो सर, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको किसी ने तो भाव दिए होंगे, डॉक्टर ने भाव दिए, किसने भाव दिया? बता रहा हूँ अस्पताल प्रबंधक ही आपको जानकारी दे सकते हैं। कौन है मेन, कौन है प्रबंधक, कौन है जिनसे हम बात कर सकते हैं? नाम वाम कुछ सर? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।